अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम एसन और आप देख रहे हैं एशियन की गेमिंग। तो यार जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने नई M41 की स्किन निकाल दिया। तो यार आके आप वीडियो आपने लास्ट टाइम देख लिया, मैंने लास्ट में AK-47 भी निकाल दी है जो कि हमारी 1 किलोमीटर में वापस रिटर्न से आ चुकी है। तो वो वाली AK-47 मैंने टॉप वाले भी निकाल दिया। तो वो वीडियो ज़्यादा लंबी होती थी इसलिए यार मैंने स्पिन वाला सेक्शन मैंने दिखाया नहीं। स्पिन वाला जिससे स्पिन करते हैं वो मैंने कार्ड नहीं किया, तो जैसे क्लाइम किया तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये भाई साहब अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास M41 आ चुकी है, M41 की स्किन। तो अभी मैं इसको सीधा जैसे ट्रेनिंग लगा लेता हूँ। लेकिन यार आपको ये M41 की स्किन के लिए आपको अलहदा से आपको टोकन चाहिए होंगे, मतलब कि आपके जो पुराने होंगे जो वाउचर वगैरह वो इस पर यूज़ नहीं हो सकते। इसके लिए आपको नए डायमंड लगाने पड़ेंगे, तो फिर आप जाके इसको निकाल सकते हो। तो मैं अभी आपको इसका डैमेज वगैरह चेक करा देता हूँ। और हमारी जो कि एक नई बोलो पुरानी हमारी M41 है, तो उसका भी मैं आपको डैमेज वगैरह चेक करूँगा, क्योंकि यार दोनों का सेम है, डबल रेट ऑफ फायर और सिंगल डैमेज है। तो अभी इसका आप गेमप्ले देखना, इसका डैमेज आपने नोट करना है। और जो हमारी दूसरी M41 है जो पुरानी इंडियन सर्वर पर हमारे फ्री भी मिली थी बंदों को, कुछ बंदों को बोलो सबको फ्री भी मिलती है वाली, तो वो वाली भी M41 टेस्ट करेंगे दोनों को। हाँ दोनों का मैं आपको डैमेज टेस्ट करूँगा। और लास्ट में मैंने वो भी निकाली है, कहोरियो भी निकाली है, वो भी आपने देख लेना। तो जो नए बंदे चैनल को सब्सक्राइब मारो, और वीडियो को जितने अब तक लाइक नहीं किया वीडियो को भी लाइक कर दो। तो चलो भाई साहब अभी हमने ले लिया है यार। अगर देखा जाए ना M41 के यार जो हमारी स्कार है और दूसरी जो गंदे यार M41 बिल्कुल एकदम हेड पकड़ती है यार, एकदम इसका हेड जाता है। और उसके साथ साथ यार इसकी एक्यूरेसी भी बाकी सारी गंदों से इसकी ठीक ही है। लेकिन यार इसको यार इतने प्लेयर ज़्यादा पसंद नहीं करते, पता नहीं क्या मसला। ये चक्कर से शार्ट का बचा कर सकते हो, ऐसे 3 का मार रही है। ये देखो शार्ट रेंज में भी ज़रा सा ट्राई कर रहा हूँ, इसका हार्ड शार्ट बढ़ रहा है। और अभी मैं आपको दूसरी M41 भी चेक करूँगा, आपने इसका डैमेज नोट कर लेना है। ये कितने का डैमेज दिया बिल्कुल, ये दूसरी M41 चेक करो, ये दोनों सेम ही है, कोई भी फ़र्क नहीं है। ये देखो कोई भी दोनों में इनमें फ़र्क नहीं है। लेकिन यह कि ये लुक वाइज हमें न्यू मिली है, अलग किसी की लुक है, तो ये वो आगे जाकर रेयर होने वाली है, क्योंकि ये वाली बार बार नहीं आती। जैसे कि हमारी 1 पंच मैन की अभी M87 भी आने वाली है, उसका भी मैं आपको गेम प्ले चेक करूँगा, उसका तो फुल रिव्यू दूंगा मैं, क्योंकि M41 को बहुत उसको M87 को बहुत लोग पसंद करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि दोनों का डैमेज सेम ही है, बिल्कुल सेम डैमेज है दोनों का, बिल्कुल कुछ भी नहीं है फर्क इनमें। खाली इनमें स्किन का ये कलर वगैरह का फ़र्क है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी ये आपको पता ही है M41 का, जो बंदे चलाते हैं उनको पता है कैसे ड्राइव मारती है, क्या का सिस्टम है। तो मैं आपको नहीं बताऊँगा कि ये बहुत ज़्यादा ड्राइव मारती है, जो वो बंदे की खुद तक होती है। तो ये देखो ये इसको भी ड्रैग पड़ा, वो तो बिना स्किन के भी बंदा ड्रैग चैक मार लेता है, बस बंदे को मारना ना चाहिए। तो ये इधर से आपने जाके टोकन, इसके टोकन बोल रहा हूँ, आपने इधर से स्पिन मार के आपने निकाल लिया। तो अभी मैं AK-47 निकालने वाला हूँ। तो यार ये वाला जो इनक्यूबेटर है ना टाइम ट्रैवल वाला, तो यार इसका मैंने टॉप वाला भी बंडल निकाल लिया था और इसका दूसरा भी बंडल निकाल लिया था। अभी आपने चेक करना ये क्या हुआ मेरे साथ, तो इसके मैंने तीनों बंडल मैंने निकाल लिए हैं। तो इसकी यार 2000 डायमंड में मेरे इतनी चीज़ें इसकी निकली है ना, आपकी सोच है, सब कुछ मैंने निकाला था इसका 2000 डायमंड। तो ये देखो वैसे ही मैंने स्पिन मारा और ब्लू प्रिंट निकल आया, वैसे ही स्पिन मार रहा था वो, ये देखो वैसे ही उन्होंने ब्लू प्रिंट दे दिया। तो अभी 2 ब्लू प्रिंट हो गए, तो अभी नेक्स्ट हमारा P90 का इंक्यूबेटर आ रहा है, तो मैं इस पर 1-2 डायमंड और स्पिन मारूंगा, स्पिन मार के, तो ताकि यार ये ब्लू प्रिंट जाया ना जाए। तो मैं इनको ब्लू प्रिंट से जो कि हमारी नई हमारी आने वाली है P90 आ रही है, तो P90 से मैं वो निकालूंगा, P90 की स्किन निकालूंगा, क्योंकि 3 ब्लू प्रिंट से 1 ब्लू प्रिंट एक्सचेंज होता है, तो वो मैं निकालूंगा। तो ये देख सकते हैं कि मेरे पास 8 स्टोन है और 3 ब्लू प्रिंट पड़े हुए हैं। तो मैं टॉप वाली AK-47 निकालने वाला हूँ, टॉप वाली AK-47 डबल डैमेज है और सिंगल एक्यूरेसी है, तो ये वाली हम निकालेंगे। बाकी अब अगर आपके पास अगर डायमंड नहीं है, आपके पास स्टोन चून है, तो यार आप ये रेड वाली निकाल सकते हो, रेड वाली OP है, रेड वाली का डबल रेट ऑफ फायर है और इसकी रेंज माइनस और मैगजीन यार बस इसका रेट ऑफ फायर डबल है, बाकी आपको आपने देख लेना यार इधर से रुको, इसका डबल रेट ऑफ फायर, इसका डबल डैमेज है और सिंगल एक्यूरेसी है, ये भी काफ़ी OP किस्म की चलती है। अगर आपके पास डायमंड है तो आपने अपनी ID के लिए निकालनी है, रेयर किस्म की करनी है अपनी कलेक्शन को, तो आप इसको निकाल सकते हो, नहीं तो फिर आप दूसरी निकाल लो जो छोटी है रेड वाली, वो निकाल सकते हो। तो यार यही कुछ ही ना, तो जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं। तो यार ये हमारा एक इवेंट आया हुआ था दिन को ये इवेंट आया हमारा ब्लैक मार्केट के नाम से। तो इसमें से आपने वीडियो तो देख ली होगी, एक दफ़ा फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इधर से 3 चीज़ें सेलेक्ट करनी होती हैं, हर एक लाइन से आपने एक एक चीज़ सेलेक्ट करनी है, तो आपको उस लिहाज से आपको मिलेगा। तो जैसे कि मैं अभी इधर से ऊपर सेलेक्ट करता हूँ डियानो, अभी मुझे ऊपर से 15% ऑफ मिल रहा है, तो जैसे मैं इधर से नीचे से सेलेक्ट करूँगा देखो मुझे 50% ऑफ मिल गया। और उसके साथ साथ मैं इधर से तीसरी रो से मैं जाके एक और चीज़ सेलेक्ट करूँगा, इधर 60% ऑफ मिल चुका है मुझ पर। अगर आपके पास डायमंड वगैरह हैं तो आप इसको निकाल सकते हो, एक रो से एक चीज़ आपने सेलेक्ट करनी है, दूसरे रो से दूसरी और तीसरी, तो आपको इस तरह बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आपने निकाल लेनी है।
तो मैंने तीन चार चीज़ें निकाल ली हैं, तो आप वीडियो जाके देख सकते हो जिनकी। तो चलो भाई साहब, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।